आजकल मंडी में एक मुद्दा काफी सुर्खियां बटोर रहा है, आपके ही विधानसभा क्षेत्र का ये मुद्दा है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने भी कहा कि कांग्रेस की जो सरकार है वो बदले की भावना से काम कर रही है और जो मंडी यूनिवर्सिटी का जो दायरा है उसको घटाया जा रहा है, तो आपका इस पर क्या कहना है? देखिए, वो विपक्ष के नेता है, सम्मानीय नेता हमारे हैं, वो जो कह रहे हैं वो भी ठीक कह रहे होंगे, परंतु आप जानते हैं यदि मुख्यमंत्री जी आज जहां बैठे हैं उसमें पंडित सुखराम जी के मार्गदर्शन उनको काफ़ी मिलते रहे और मेरी उनसे भी बात होती रहती है, और मंडी के मुद्दे पर मैं पीछे हटता नहीं हूं, और ये बात मुख्यमंत्री से कही कि आपने ये क्यों किया, उनका जवाब था कि हमने कोई यूनिवर्सिटी बंद नहीं की है, यदि यूनिवर्सिटी बंद होती तो मैं उनसे लड़ाई लड़ सकता था और पंडित सुखराम की दुहाई भी दे सकता था। उनका ये कहना है कि अभी हमने इसका केवल जैसे हम इसको कम किया डिस्ट्रिक्ट मंडी और कुल्लू के साथ जोड़कर इसको रखा है जो इस दायरे के अंदर रखा है, और यदि यूनिवर्सिटी का जब जैसे स्ट्रक्चर बनेगा हम उसमें दूसरे ज़िले के लोग कॉलेज को भी ऐड कर सकते हैं। तो उनकी बात मुझे लगा कि अभी हम जिस स्कीम को जिस तरीके से इसको चलाने के प्रयास कर रहे हैं शायद नहीं चला पाए कि मैन पावर नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो मुझे लगता है कि उस बात को बात रखते हुए मैंने महसूस किया है कि उनकी सोच इसको बंद करना नहीं है। मैंने उनको ये भी कहा कि यदि इसको बंद करेंगे तो मंडी में एक विधायक तो जीत के गया, आगे कोई एक भी नहीं जीतेगा आपका, तो ये बात मैं उनके ध्यान में लाई है कि मंडी को अनदेखा करेंगे तो आपके साथ ये कांग्रेस के लोग जो हैं एक भी MLA यहाँ जीत नहीं पाएगा, तो ऐसा ब्लंडर मत करें। ये बात उन्होंने महसूस किया कि इस तरह क्या हम बंद करने की हमारी कोई मंशा नहीं है। फेसबुक पर पोलस्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।